उत्तर प्रदेश के आगरा में बदमाशों ने कर्मचारी को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूटे। रावतपाड़ा पीपल मंडी क्षेत्र में कई अन्य ऐसे ऑफिस हैं जो करते हैं हवाला के रुपयों का लेन देन। हवाला के जरिए प्रतिदिन होता है लाखों रुपयों का आदान प्रदान। सूत्रों के अनुसार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लेन देन के एवज में ली जाती है मोटी रकम। फिल्मी स्टाइल में नोट के नंबर देख कर किया जाता है रुपयों का लेन देन। लाखों का चूना लगा रहे इसी प्रकार हवाला ऑफिस। गुजरात से संबंधित है ज्यादातर ऑफिस। आज हुई लूट के बाद खुलेआम आगरा में हवाला रुपयों का प्रतिदिन होने वाले काले कारोबार का राज। मौके पर पहुंचे एडीजी, आईजी, एसएसपी, एसपी सिटी व अन्य थानों का बल। अलग अलग टीम गठित कर जल्द ही खुलासा करने का दिया आश्वासन। ये आज करीब दिन में 2:15 बजे एक व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति था वो थाने कोतवाली पर आया और उसके साथ दो लॉयर्स भी थे और उन्होंने बताया कि इस तरीके से उनकी दुकान यहाँ पर कोतवाली क्षेत्र में गली है पीपल वाली गली जो भी है ये यहाँ पर चार व्यक्ति आए थे और आकर उन्होंने तमंचे के बल पर पैसे लूट लिए। यहाँ पर जब उन्होंने अपना देखा हिसाब किताब देखा और यहाँ पर जब आकर देखा कि बात की हुई तो उन्होंने बताया कि टोटल करीब 40 लाख रुपए की लूट हुई है। तो इसमें सभी अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं और जो आगे की पुलिस की कार्रवाई है उसमें कई टीमें बना दी हैं। वो अलग अलग टीमें अलग अलग कार्य कर रही हैं और इस घटना को वर्कआउट करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। कैश किसका था, किस कंपनी का था या कोई प्राइवेट कैश? अभी उसके बारे में जो उसके कंप्लेनेंट हैं उनसे डिटेल में बात होगी, जिसके बारे में बताएंगे कि उनका था, किसी और का था या ये कैरियर का काम करते थे। तो ये सब बातें तो अभी जाँच का विषय है। हमारी प्रथम प्राथमिकता यही है कि पहले जो बदमाश जिन्होंने घटना कारित की है उनका पता लगाया जाए और पैसे वर्कआउट। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।